नमस्कार दोस्तों, आज संध्या के किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए। आज शिमला मिर्ची टिक्की हम बनाने चल रहे हैं अपने किचन में। शिमला मिर्ची टिक्की बहुत टेस्टी होता है, तो आज व्रत में हम बनाने चल रहे हैं इसी को। तो जैसे देखते हैं कि आलू के फरहार बहुत सब लोग बनाते हैं, लेकिन आज शिमला मिर्ची की टिक्की हम बनाने चल रहे हैं। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने शिमला मिर्ची 3 पीस लिए हैं, यहाँ पे 3 पीस शिमला मिर्ची हमने ले लिए हैं। यहाँ पे आलू 4 पीस बड़े साइज में लिए हैं, धनिया पत्ती धो के काट लिए हैं, मिर्ची हरी मिर्ची हमारा है, जीरा 1/2 चम्मच, मूंगफली दाना, और यहाँ पे देख रहे हैं एक टमाटर काटे हैं, बारी हुए टमाटर को बिल्कुल काटे हैं। इन सभी चीज़ों को हम ले लिए हैं। अब लेकर कढ़िया पहले रख दे रहे हैं गैस पर, कढ़िए को गैस पर रख दिए हैं। तो मूँगफली को थोड़ा भून लेंगे पहले हम, मूंगफली को डालकर पहले हम भून लेंगे 1 मिनट तक। मूंगफली को जैसे भून कर हम इसको छिलके को हटा लेंगे। अब यहाँ पे मूंगफली के छिलके हटा लिए हैं हम, तो फिर इसको कढ़ाई में घी 2 चम्मच डाल रहे हैं। यहाँ पे जीरे 1/2 चम्मच, जैसे देख रहे हैं हमारे जीरे के कलर चेंज हो गया है, तो इसमें हम हरी मिर्ची डाल दे रहे हैं। टमाटर को भी इसमें हम डाल दिए। इन सभी को एक साथ में हम फ्राई कर लेंगे पहले भून के। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ी सी हमने जैसे देख रहे हैं मसाले डाले हैं, ये मसाले हमने घर पे पीसे हैं मिक्सर में। जीरा पाउडर डाल दिए, सभी को अच्छे से पका दिए हैं। इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं, अब आलू को हम अच्छे से काट लेंगे। इसमें उबला हुआ आलू हमारा है, यहाँ पे देख रहे हैं सभी को मिक्स करके अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। कितना अच्छा हमारा लग रहा है देखने में। अब इसको हम मिक्स कर लिए, नमक अपने स्वाद अनुसार से इसमें डालिए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम मूंगफली दाने डालेंगे, धनिया पत्ती भी काट के धो के रखे थे हम उसको भी डाल लिए हैं। इन सभी चीज़ों को डाल लिए हैं, यहाँ पे मूंगफली भी डाल दे रहे हैं इसी तरह से। इस तरह से टिक्की बनाने पे बहुत टेस्टी होता है टिक्की। अब एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे देख रहे हैं शिमला मिर्ची को हम 2 फाल में कर लिए हैं। अब इसके बीच में हम भरेंगे अच्छे से। इसी तरह से सारे शिमले मिर्च को हम भर लेंगे। आप इस पे चाहते हैं तो एक टमाटर भी काट कर इस पे सटा सकते हैं। Yaar, 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 y
अब अच्छे से हमने इसको उबर लिए हैं। आपको ध्यान देना है, जब भी आप काटिए शिमला मिर्ची की टिक्की बनाने के लिए तो एक शिमला मिर्ची में दो भाग बस करिए, नहीं तो इसमें का जो मिश्रण है ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में एक चम्मच घी डाल दिए। घी को हम गर्म होने तक छोड़ेंगे। अब इसी तरह से इसको हम बिछा लेंगे। आपको जब भी बिछाना है इसको पट करके, जिस तरफ में आप चोखा लगा रहे हैं उसी तरफ से आपको बिछाना है। चोखा वाला हिस्सा नीचे रहेगा ताकि अदरक का शिमला मिर्ची अच्छे से हमारा पक जाए। अब हम सारे बिछा लिए हैं इसको, तो अब पलटी करेंगे इसको एक एक करके। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसको चाय के साथ में, चटनी के साथ में बहुत टेस्टी होता है। देखिए कितने अच्छे हमारा कलर भी हो गया। प्लेट में इसको निकाल ले रहे हैं हम दोनों तरफ से। देखिए हमारा कितने अच्छे से पक गया है। इसी तरह से प्लेट में हम रख लिए, सजा लिए इसको। तो कितना अच्छा टिक्की हमारा बन के तैयार हो गया है व्रत के लिए। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारी लाइक कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि चटनी पीस के हमने मूँगफली के चटनी पीसे हैं, यहाँ पे धनिया पत्ती मिर्ची डालकर। फिर हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।